नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया गैनामेटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2018 2019 2018-2019 का जो एग्ज़ाम है उसकी क्या कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि एक कन्फ्यूजन मैंने थंबनेल में बताई थी, सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं, ठीक है। उसी तरह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, और जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, अगर क्वालिफाइंग मार्क्स ही हमें क्लियर करने हैं तो कट ऑफ जो है वो क्यों बताई जा रही है, ठीक है। वो सारी कन्फ्यूजन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ज्ञानमेटिक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आरपीएफ सेक्शन में मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल बेसिक से जानना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ तो बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। यहीं से मैं क्लियर करूँगा कि कट ऑफ जो है उसमें कन्फ्यूजन क्यों आ रही है लोगों को। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। CBT होगा सबसे पहले फेज़ में। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप CBT को क्वालिफाई करते हो तभी आपको कॉल आएगी PET के लिए। PET है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद होगा एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई करोगे तब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इस सभी प्रोसीजर के बाद एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी जो होगी आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है। दो दो कट ऑफ निकलेंगी। सबसे पहली कट ऑफ निकलेगी आफ्टर फेज़ वन, ठीक है। पहले फेज़ के बाद जो आपका CBT का एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो कट ऑफ निकलेगी वो होगी पहली कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपका PET का एग्ज़ाम होगा, PET होगी, उसके बाद PMT होगी। इसको क्वालिफाई करोगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद भी एक फाइनल कट ऑफ निकलेगी जो मेरिट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो CBT है यही आपको मार्क्स जो है वो दिलाएगा। PET जो है, जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है। इसमें आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, या फिर कोई एक्सीलेंसी नहीं मिलेगी, या कोई मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना है, PMT को क्लियर करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है, जो आपकी CBT है, जो आपका फर्स्ट फेज़ है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी के मार्क्स जो हैं वो मैटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए वैकेंसीज़, ठीक है। आरपीएफ एसआई की जो हैं वो टोटल वैकेंसीज़ थी, मेल कैटेगरी में थी 819, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो टोटल थी 301। अब जो CBT 1 के बाद एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बुलाया जाएगा PET के लिए, वो होंगे इससे 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे। तो मेन की बात करें, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो टोटल बुलाए जाएंगे करीब 8,000, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो करीब 3,000 बुलाए जाएंगे। तो टोटल कितने बुलाए जाएंगे, 8 3 11, 11,000 जो हैं वो CBT एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं। अब 11,000 की बात करें तो कट ऑफ 11,000 के बेसिस पे आएगी CBT की, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। लेकिन अगर इस कट ऑफ को आप क्लियर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी फाइनल मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही ऊपर हैं तो आपकी बहुत ही कम चांसेस होंगे फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। उसी तरह वैकेंसीज आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं 4,403 मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में है 4,216, ठीक है। टोटल करीब 8,500 के करीब ये पोस्ट हैं, और जो CBT को क्लियर करेंगे वो होंगे 85,000, ठीक है, 10 गुना। तो 85,000 के हिसाब से जो कट ऑफ होगी वो ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। लेकिन जो फाइनल मेरिट की कट ऑफ होगी वो आपकी जो CBT के बाद की कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही रहेगी, डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। इसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप देखना चाहते हो कि SI और कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये फिज़िकल मेजरमेंट आपके पास दी गई हैं। नेक्स्ट है आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए, एक कन्फ्यूजन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो
नोटिफिकेशन में दिए हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन जो ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग है, इसमें दिया है 10th पॉइंट में कि इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स, ठीक है। यहाँ बोला है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स जो हैं वो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और 30% अगर आपकी कोई कैटेगरी है SC या ST। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 35% मार्क्स आते हैं तो आप जो है वो कट ऑफ में आ जाओगे, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब मान लीजिए अगर 10 पोस्ट हैं और सिर्फ चार चार ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 35% मार्क्स से ज़्यादा ला रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ चार को ही बुलाया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, ठीक है। टोटल पोस्ट तो थी 10, लेकिन चार का ही क्लियर हुआ 35% से ऊपर, तो सिर्फ चार को ही बुलाया जाएगा, 10 को नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका इस चीज़ का मतलब ये है ना कि अगर आप 35% मार्क्स लाओगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं पासिंग, कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस थे 120 और टाइम था 90 मिनट, लेकिन लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टाइम था आपके पास 120 मिनट। तो लास्ट टाइम की जो भी कट ऑफ आपको जहाँ से भी अवेलेबल है, ठीक है, उसमें अगर कट ऑफ दी है, मान लीजिए अगर कट ऑफ बोल रहे हैं 80 गई थी, तो इस बार जो है वो कट ऑफ 80 नहीं जाएगी, इस बार थोड़ी कम जाएगी या फिर सिर्फ 4 या 5 नंबर ही ज़्यादा जाएगी या 85 तक जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ बताता हूँ क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 1/4 की। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ, इस वीडियो में भी एक बार बता देता हूँ। लास्ट टाइम कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 1/4 की, लेकिन इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं एक आई कार्ड में पोल जो है वो जनरेट कर देता हूँ। SI और कॉन्स्टेबल्स के लिए, दोनों के लिए ये पोल रहेगा, उसमें मार्क्स दिए होंगे, मार्क्स रेंज दी होगी। आपको क्या करना है, ऑनेस्टली अपने मार्क्स जो हैं वहाँ उस ऑप्शन में चूज़ करने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका SI का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ SI वाले ही ऑप्शंस को टिक कीजिए, और अगर आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ कांस्टेबल वाले ही ऑप्शंस को टिक कीजिए, ताकि एक फेयर जो है रिज़ल्ट इस पोल का मैं आपको बता सकूं, ठीक है। इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट रहेगा 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर मैं आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है, देखिए RPF SI की बात करें तो RPF SI में जो टोटल आपकी पोस्ट थी वो थी कम एज़ कम्पेयर टू आपकी कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल में आपकी पोस्ट बहुत ही ज़्यादा थी कम्पेयर टू SI, तो SI की कट ऑफ जो होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी कांस्टेबल्स से, ठीक है। जनरल की कट ऑफ की बात करें तो वो करीब 80-85 जा सकती है इन केस ऑफ RPF SI, ठीक है। कोई सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं होगी, एक ओवरऑल कट ऑफ ही आपके सामने आएगी, और ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके PET एग्ज़ाम से पहले वाली कट ऑफ है, ठीक है। इस कट ऑफ से ज़रूरी नहीं है कि मेरिट में भी यही कट ऑफ आए, ठीक है। अगर आपके 80-85 मार्क्स आ रहे हैं और कट ऑफ भी इतनी ही जाती है तो आपके चांसेस बहुत ही कम होंगे अगर आपकी 80-85 में ही मार्क्स हैं, और अगर आपके 100+ मार्क्स हैं और कट ऑफ जाती है 80-85 तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% रहेंगे, ठीक है। अगर आप PET एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लेते हो तो आप डेफिनेटली RPF SI का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लोगे, ठीक है। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया, RPF कांस्टेबल की बात करें तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाएगी एज़ कम्पेयर टू SI, ठीक है। वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये करीब 75-80 जाएगी, ठीक है, 70-80। तो 70 से लेकर 80 तक जो है वो कांस्टेबल की कट ऑफ जो है वो जा सकती है, लेकिन ये कट ऑफ मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ
सीबीटी के बाद वाली कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियोस में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।